हेलो फ्रेंड, जी बी लाइक चैनल में आपका स्वागत है। एक मस्त लेंस कप लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, एक चारकोल पेंसिल लिया हूँ और उसका जो बुरादा है वो ब्लेड से गिरा करके मैं इसका इस सीनरी का स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीनरी के स्टार्ट करने के लिए ऊपर से मैं स्काई बना रहा हूँ। स्काई बनाने के लिए पेंसिल का बुरादा लिया, उसके बाद में ये कॉटन से इस तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत और आकर्षक तरीका है, बेहतरीन तरीके से आप स्काई बना सकते हैं। इस तरह से वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारे बनाए हैं और इसमें भी मैं यही दिखा रहा हूँ कि कॉटन और पेंसिल से कैसे स्काई बना दें। स्काई बन गया, उसके बाद मैं माउंटेन की बाउंड्री बढ़ा रहा हूँ। यह बाउंड्री आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इस चारकोल पेंसिल से इस तरह से बाउंड्री बनाकर आप भी सीनरी की अच्छी खासी स्टार्टिंग कर सकते हैं। सीनरीज मैंने बहुत सारी बनाई है और इसे भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक सीनरी बनाई जाती है। देखिए, आप ऊपर से नीचे तक मैं स्लाइड कर रहा हूँ। ये चारकोल पेंसिल है, मैं प्रतिबिंब वाले हिस्से को यानी छाया वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा गहरा ब्लैक करके दिखा रहा हूँ और राइट वाले हिस्से को यानी कि जो सनलाइट वाला हिस्सा है उसको डॉट डॉट या थोड़ी जगह छोड़ कर मैं पेंसिल चला रहा हूँ। ये स्लाइड करने का तरीका है और पेंसिल चलाने का तरीका है। बेहद खूबसूरत आकर्षक माउंटेन बनेगा, आप देखते रहिए। और यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ नीचे की साइड में, और साइड में जो कॉटन इस्तेमाल किया हो वो इसलिए कि माउंटेन के नीचे थोड़ा धुंधलापन दिखना चाहिए। माउंटेन के नीचे धुंधलापन बहुत खूबसूरत लगेगा। ऊपर से नीचे आप स्लाइड करके पेंसिल को घिसते हुए दाएं बाएं रगड़ के स्लाइड करके चला सकते हैं, आपको मस्त आकृति लगेगा। ये जो खड्डे वाले माउंटेन में तो कई तरह के खड्डे होते हैं, खड्डे वाले हिस्से को आप थोड़ा ब्लैकनेस दिखा सकते हैं। बाकी तो आइस पैलेस वाला माउंटेन बन रहा है इसलिए थोड़ा वाइटनेस भी दिखेगा। जगह छोड़ छोड़ के आप पेंसिल चला सकते हैं। राइट साइड में जरूरी थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़िए और लेफ़्ट साइड में थोड़ी कम जगह छोड़िए, ताकि लेफ़्ट साइड में आपको प्रतिबिंब यानी छाया का हिस्सा बनाने का मौका मिलेगा और राइट साइड में थोड़ा लाइटिंग वाला हिस्सा बनेगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रहा हूँ। राइट वाले हिस्से में थोड़ी जगह जगह छोड़ रहा हूँ और लेफ़्ट वाले हिस्से में बहुत ही गहरा मतलब ब्लैकनेस दिखा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका प्रतिबिंब यानी सनलाइट का माउंटेन में प्रतिबिंब यानी छाया बन रहा है। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत आकर्षक और इजी स्टेप और इजी वे से मैं ये माउंटेन बना रहा हूँ। पूरा जो लैंडस्केप है आप देखेंगे इजी वे से बनेगा। अभी आप एक कॉटन देख रहे हैं और कॉटन को हल्का फुल्का हल्के हाथ से दबाव दे करके माउंटेन के नीचे थोड़ा धुंधलापन दिखाने के लिए इस कॉटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉटन का इस्तेमाल आप ये जो प्रतिबिंब छाया वाला हिस्सा दिखाने के लिए कर सकते हैं, बेहद खूबसूरत तरीका है। फिर जैसे आपको लगेगा कि माउंटेन के नीचे थोड़ी मोटी झाड़ियाँ और एंगल ट्रीज वाली सीरीज में बनी हुई है, ये मैं भी दिखा रहा हूँ कॉटन से बना के ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए आ रहा हूँ। ये जो स्टाइल है वो बोबरस साहब का स्टाइल है, वो इस तरह से बहुत सारे सीनरीज बनाते थे। और अभी आप देख सकते हैं जो पेंसिल चला रहा हो वो चारकोल पेंसिल है और यहाँ पर एक लेक बनाऊंगा, यानी कि स्टोन अपना पहाड़ के नीचे एक लेक बनाऊंगा। और ये जो किनारा बन रहा है स्टोन किनारा बन रहा है। और अभी मैं ये जो बना रहा हूँ दूर से दिखने वाले पेड़ थोड़े से कम गहरे कर रहा हूँ। इसके लिए मैं हार्ड चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया हूँ। हार्ड चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं दूर से पेड़ दिखने वाले हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ। और जो ये चट्टानी हिस्सा लेक के नीचे, लेक के ऊपर थोड़ा जो चट्टानी हिस्सा है, जो स्टोन वाला हिस्सा है, वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक इंग्लैक पेन लिया है और झाड़ियों वाला हिस्सा बनाने के लिए इंग्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सफ़ेद पेपर है, इंग्लैक पेंसिल से दबाव देंगे तो पेपर थोड़ा दबा हुआ हिस्सा रहेगा, बाद में आप चारकोल पेंसिल चलाएँगे तो इंग्लिश पेन का जो निखार है वो आएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मैं निखार लाता हूँ। जैसे मैं ये पेंसिल अपना चारकोल पेंसिल चला रहा हूँ, उससे पहले इंग्लिश पेन चलाया था तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर देख रहा हूँ, तो वैसे वैसे झाड़ियों का शेप मिल रहा है। झाड़ियों का शेप देने के लिए इंग्लिश पेन मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था। तो अभी आप देख सकते हैं चारकोल पेंसिल चलाने में मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
नीचे से ऊपर तक दाएं बाएं ऊपर स्लाइड करके तो चला रहा हूँ, तो ये झाड़ियाँ बन रही है, बेहद खूबसूरत तरीके से बन रही है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इंग्लैंड पेंस यानी बिना सियाई का पेन और चारकोल। आगे भी मैं इंकलेस पेन का और चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके जो बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह है, एंगल ट्रीज है और एंगल ट्रीज के वाली जो सीनरी लैंडस्केप, वो मैं बना के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं एंगल ट्रीज बना रहा हूँ। इस सीनरी में एंगल ट्रीज झाड़ियाँ, लेक के ऊपर झाड़ियाँ बेहद खूबसूरत लगती है। कोई भी सीनरी जो चाहे कलरफुल हो, ब्लैक एंड वाइट हो, इस तरह की सीनरी बहुत खूबसूरत लगती है। बॉब रोज साहब ने ऐसी बहुत सारी सीनरीज बनाई है, उन्हें देखकर मैं सीखा हूँ। आप मेरे वीडियोज़ में देखेंगे तो इस तरह सीनरीज बहुत मिलेगी, आप उन्हें देख देख के आसानी से बार बार देख देख के सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पेड़ बना रहा हूँ, डालिया वाला पेड़, बिना पत्ती वाला पेड़। ऐसे पेड़ अगर सीनरीज में दिखाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। आप इमेजिंग करके भी पेड़, डालिया या झाड़ियाँ, लेक या माउंटेन वगैरह बना सकते हैं, कि इमेजिन किया हुआ भी जो भी ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा हिट होता है। यूट्यूब गूगल में कहीं भी आप डालोगे इमेजिंग किया हुआ, बहुत ज़्यादा हिट होता है। इसमें आप साइड में देख सकते हैं, मैं स्टोन अपना किनारा बना के इसमें भी पेड़ और झाड़ियों वाला हिस्सा बना रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये जो फोटोज बन रहा है, मैं वो भी साहब का पेंटिंग देख के बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा कुछ कुछ इमेजिंग भी है। आप पता कर सकते हैं कि कौन सा इमेजिंग हिस्सा है, कौन सा देखा देखी बनाया हुआ है। जहाँ तक आप देखेंगे तो इमेजिंग वाला हिस्सा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि भोबलो साहब कलरफुल पेंटिंग करते थे और मैं तो पेंसिल से कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से, और एक एंगल ट्रीज बन रहा है। ये देखिए, ऊपर से नीचे स्लाइड किया, दाएं बाएं घुमाया और बेहद खूबसूरत तरीके से ये जो है पेड़ बन रहा है। नीचे स्लाइड करके ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो झाड़ियों वाला हिस्सा बनेगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो ये एंगल ट्रीज वाला हिस्सा बनेगा। और अच्छे से पेड़, अलग से पेड़ बनाना है तो आप देख सकते हैं दाएं बाएं करके एक बीच में जैसे तना है या साइड वाले तना वाले पेड़ भी आप इस ड्राइंग में बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लैंडस्केप या सीनरीज में इस तरह से पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे मेरे किसी भी ड्राइंग में, और इस ड्राइंग में भी देख लीजिए कि मैं जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही इजी वाले और साधारण वाले मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कहीं भी मिल सकते हैं, और ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करता ही नहीं। एक ड्राइंग बुक है और ड्राइंग बुक का पेज है, और जो पेंसिल चला रहा हूँ वो चारकोल पेंसिल है। इससे पहले मैंने हार्डकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल किया था, इंग्लिश पेंसिल है। ये देखिए, अभी मैं जो लेक का जो लेयरों वाला हिस्सा है उसको दर्शाने के लिए मैं इंक लेक पेंसिल यानी बिना सियाई का पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैं चारकोल पेंसिल चलाऊँगा तो इस इंक लेक पेंसिल का निखार आएगा, वाइटनेस वाला हिस्सा देख के निखार आएगा। अभी देखिए, मैं ये चारकोल पेंसिल से जो अपने जो प्रतिमा में छाया वाला हिस्सा है, जो पेड़ पौधों का जो छाया है, पेड़ है, स्टोन है, जो चट्टान हिस्सा, झाड़ियाँ वगैरह, उनका जो छाया पानी के अंदर पड़ रहा है वो मैं हिस्सा बना रहा हूँ। और इस तरह से मैं पानी का हिस्सा यानी कि लेक का हिस्सा बना सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में पानी का कलर या कलरफुल में तो चलो बना सकते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में शायद नहीं बना सकते, इसलिए प्रतिमा ने छाया वाला हिस्सा बना के दिखाना पड़ता है। ये देखिए, आप जो भी पेंसिल है वो सिर्फ एक ही तरह का है, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल। ज़्यादा पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करके ही मैं इस लेक को बना रहा हूँ। इसमें कॉटन का भी इस्तेमाल किया हुआ, एयर क्लीन कॉटन और सिंपल कॉटन का भी इस्तेमाल करके आप इसको लेक को अंतिम रूप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हल्के हाथ से कॉटन का इस्तेमाल करके प्रतिमा में जो लेक के अंदर प्रतिमा में छाया वाला हिस्सा है वो आसानी से बना रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर देंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप देखकर आप ही अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। स्केच वाले, सीनरीज वाले, लैंडस्केप वाले, हर तरह के पेंसिल का इस्तेमाल किए वाले, और बहुत ही कम मटेरियल में
कोई भी ड्राइंग बनाने वाले वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस कम मटेरियल इस्तेमाल किए हुए ड्राइंग वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ नीचे के हिस्से में मैं झाड़ियाँ बना करके एक वे बनाऊंगा और वे से आपको इस सीनरीज को अंतिम रूप देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भी वो जो पेंसिल है और वो चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले इंकलेक्स पेंसिल इस्तेमाल किया था और झाड़ियों का रूप देने के लिए इंकलेक्स पेंसिल और चारकोल पेंसिल बेहतर है। आप देख सकते हैं थोड़ा मैं फास्ट करके बता रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने झाड़ियाँ बनाई है। और यहाँ पे एक बीच में बेस जैसा बना देखते हैं, बोबरूप साहब की स्टाइल के वाला ये ड्राइंग है। कॉटन का इस्तेमाल किया और ये लेक वाले हिस्से को अंतिम रूप दिया। आपने देखा कि बहुत ही कम मटेरियल वाले इस्तेमाल किया है। ये जो पेपर है स्कूल ड्राइंग पेपर है, यानी स्कूल ड्राइंग पेपर में 30 रुपये वाले ड्राइंग मिलता है, इसमें एक पेपर 2 रुपये का है। और जो पेंसिल इस्तेमाल किया सॉफ्ट पेंसिल, थोड़ी देर के लिए दूर से दिखने वाले पेड़ों के लिए हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल भी किया था, इंकलेक्स पेंसिल का इस्तेमाल किया और कॉटन का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी रहेगी। अगर आप बताएंगे क्या कमी रही तो नेक्स्ट वीडियो में वो कमी मैं नहीं रखूँगा। फिर नए वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।